हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहिल और मैं आज आपके लिए फिर से एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम जो है ये मिक्सर रिपेयर करने वाले हैं, जो कि आप देख सकते हो मैं सीरीज कनेक्शन में लगाता हूँ तो ये वाइब्रेट हो रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है। इसी तरह अगर हम जो है इसे डायरेक्ट में लगाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, इसमें से जो है बहुत ही ज़्यादा स्पार्किंग आ रहा है। तो इसका जो 90% फॉल्ट ये है कि इसका आर्मेचर जल चुका है, हमें इसका आर्मेचर नया डालना पड़ने वाला है। तो चलिए हम इस वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ऊपर का कपलर निकाल लेना है, ये बस पुश होता है, इसको ऐसे ऊपर करोगे तो आप आराम से निकल जाएगा। फिर मिक्सर को उल्टा रख देना है और इसका जो ये चार नट देख सकते हो आप, 1, 2, 3, 4, ये चारों भी नट आपको ओपन कर लेने हैं। चारों भी नट ओपन करने के बाद आपको जो है ये नीचे का कवर भी पकड़ना है एक हाथ से, इस तरीके से। ये देखिए, ये हाथ नीचे और ये हाथ ऊपर, और इसे गोल घुमा के जो है सीधा कर देना है। इसका जो ऊपर का कवर है वो आराम से निकल जाएगा आपका। ये इसके रबर है और इसकी जो मोटर है वो भी आपकी आसानी से निकल जाएगी। ये मोटर निकालने के पहले आपको जो इसके स्विच के कनेक्शन है ये सब आपको निकालने होंगे। ये देखिए, ये सब मैंने जो वायर्स है निकाल लिए। अब जो हमारी मोटर है ये आगे से आराम से बाहर निकल जाएगी। अब जो मैं इसकी बॉडी को साइड में रख देता हूँ। इसके बाद आपको जो करना है, इसके जो ब्रश है वो पहले आपको निकाल लेने हैं। ब्रश जो है साइड में निकाल लेने हैं। इसके दोनों ही ब्रश आपने निकालने के बाद इसके ये जो दो स्क्रू आप देख सकते हो इसे आपको खोलना होगा। इसके बाद आपको जो है इसका ऊपर का पार्ट है, आपको सिर्फ ऊपर का पार्ट ही निकालना है। ये देखिए, जो हमारा आर्मेचर है ये निकल चुका है। और इसके बाद जो है, हाँ ये देखिए, इसमें ये जो है ये गोटी होती है, आपको ये संभाल के रखनी है। ये जो है नीचे का जो ये हमारा आर्मेचर होता है ये यहाँ पर होती है नीचे, जो आपको लगाते वक्त मैं आपको बताऊँगा किधर लगेगी वो। इसे मैं साइड में रख देता हूँ। ये देखिए, ये हमारा आर्मेचर है, इसे हम निकालेंगे। इसे थोड़ा ऊपर से ठोकेंगे तो ये आराम से, ये देखिए ये आर्मेचर हमारा निकल गया है। ये जो ख़राब आर्मेचर है, अब मैं आपको नया आर्मेचर बता देता हूँ कैसा है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा नया आर्मेचर है और ये पुराना आर्मेचर, इसके जगह पर हम ये नया आर्मेचर डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वो जो गोटी होती है, ये देखिए, ये आपको जो है नीचे का जो बुश होता है उसमें आपको डाल देनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये जल्दी जाती नहीं है, आपको इसे बहुत ही सावधानी से, हाँ ये देखिए मैंने जो उसमें डाल दिया। और उसके बाद जो है ये जो नया आर्मेचर है वो मैं डालूँगा इसमें। नया आर्मेचर डालने के बाद इसका जो ये ऊपर का कवर था आर्मेचर का, इसे मैं लगा दूंगा।
ये कवर लगा दूंगा मैं इसके बाद। ये देखिए ये हमारा जो है ऊपर का कवर भी लग गया है। अब इसके जैसे हमने स्क्रू खोले थे उसी तरह हम टाइट कर देंगे। आपको ध्यान रखना है कि एक ही स्क्रू आपको पूरा टाइट कभी भी नहीं करना है, आपको दोनों भी धीरे धीरे एक एक करके टाइट करने हैं। अगर आप एक ही स्क्रू पूरा टाइट कर दोगे तो उसका बैलेंस जो है बिगड़ जाता है हमारे आर्मेचर का। आपको एक एक स्क्रू जो है वो धीरे धीरे टाइट करने होंगे। ये देखिए दूसरा स्क्रू जो है मैं फुल टाइट कर दूंगा अभी, और जो पहला स्क्रू है उसे अभी मैं फुल टाइट करूंगा। ये आप देख सकते हो हमारा जो आर्मेचर है वो घूम नहीं रहा है, तो इसे जो है हम थोड़ा सा सेटिंग करेंगे, इसे थोड़ा ठोक देंगे जिससे कि वो सेट हो जाए। ये देखिए हमारा जो मोटर है वो फ्री हो चुका है। अब हम जो है इस मोटर को सीरीज कनेक्शन पे चेक करके देखेंगे कि हमारा जो रिपेयरिंग है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। हमारा मोटर अगर घूमता है तो हमारा रिपेयरिंग सक्सेसफुल हो चुका है। इसके पहले हम थोड़ा सा ऊपर ऑयल डाल देंगे, ऊपर से ऊपर में ऑयल डाला नहीं, ऑयल डालना बहुत ही ज़रूरी होता है मोटर में। बहुत ही अच्छे से जो मोटर है हमारा घूमने लगेगा ऑयल की वजह से। ये देखिए अब हम सीरीज कनेक्शन में चेक करेंगे हमारा रिपेयरिंग सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो मोटर है बहुत ही फ्रीली घूमने लग गया है, और हमारा जो रिपेयरिंग है वो एकदम सक्सेसफुल हो चुका है। अभी हमने जैसे इस मोटर को बाहर निकाला था हम उसी तरीके से इस मोटर को वापस से फिट भी कर देंगे। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, और अगर आप कुछ नया सीखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।